शांत अभी राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे राज्यसभा के लिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर राज्यसभा जाने के लिए। और इस विधानसभा में बीजेपी की क्या भूमिका होने वाली? और एनडीए की सरकार है, बीजेपी जदयू की सरकार है और सफल सरकार है। बिहार को एक नई दिशा दी है इस गठबंधन ने। जो कालखंड से बिहार गुजरा है और उसके बाद जो अब हम लोग विकास की सोचते भी हैं या बात भी करते हैं या और आगे विकास हम की का ज़रूरत हम महसूस करते हैं, ये कल्पना से परे था। आज से 15 साल पहले जो लालू यादव का जो कालखंड था, उसका जो बजट का साइज था पूरे कालखंड का, वो तो साल भर का बजट जो है बिहार का, वो लगभग उससे आगे बढ़ गया। अच्छा, बीजेपी का जो ये वर्चुअल रैली है सब जगहों पे हो रहा है, इसको किस प्रकार से आप लोग लेते हैं? क्या ये अब सभी पार्टी इसे अपनाएगी या फिर? देखिए, ये कोई बीजेपी कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा, ये तो हालात करा रहा है। कोरोना की महामारी जो है कोई बोल के तो आई नहीं, लेकिन ज़िंदगी को चलाते रहना है प्रिकॉशन के साथ। तो उसी क्रम में ये वर्चुअल रैली का जो है एक सिलसिला पूरे दुनिया में शुरू हो चुका है। और उसी क्रम में पहला भारत जनसंवाद वर्चुअल रैली जो बिहार का हुआ, भारत के यशस्वी गृहमंत्री जी जो किए, तो एक तरह से 75 रैलियां पूरे देश में हो रही हैं। तो संपर्क स्थापित होने का इस महामारी के दौरान, जहाँ की एकत्रीकरण ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, ये माध्यम बना है बहुत अच्छा। और इसके तहत हम बिल्कुल अपने नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक पहुँच पाए और अद्भुत सफलता मिली। कहाँ 40-50 लाख लोग इसको देखे, तो ये एक अकाल्पनिक सफलता थी। एक सवाल है वो शेखपुरा जिला अध्यक्ष को लेकर के, उसको लेकर के कोई पार्टी या नेता में कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ, और एक जिला अध्यक्ष जहाँ पर उन पे एक्शन हो गया और उनके गलत जो फोन टैप किया गया है, तो उसमें एक जाति को वो टारगेट कर रहे थे और उसके ऊपर कई बातें कह गए, तो बीजेपी उस विचारधारा और मानसिकता की नहीं है, पर वो गलत चीज़ें महिलाओं को क्या सम्मान की नज़र से देखती है या कुछ ऐसा अब लोगों देखिए, में? ऐसा है, एक चीज़ समझ लीजिए। पहले बात, जो आपका प्रश्न है उसको आप ठीक से आकलन करिए। तो पहला चीज़ है, प्रथम दृष्टया दो व्यक्ति के बीच लूज कॉन्वर्सेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, का वो एक ऑडियो जो है आया है, जो दो व्यक्ति आपस में लूज कॉन्वर्सेशन कर, खराब बात है। किसी जिम्मेवार आदमी को जो जिम्मेवारी के स्थान पे हो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, निंदनीय है जो बात है। पार्टी के इंटरनल लोकतंत्र का ये विषय है, डेमोक्रेसी का मैटर, और पार्टी संवेदनशील है, गंभीरता से इसको ले रही। इसी तरह की कुछ स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी औरंगाबाद में, पार्टी ने उसका निर्णय किया। हर चीज़ को करने का एक प्रक्रियाबद्ध एक थोड़ा अवधि है। वहाँ पे के जो ये जिलाध्यक्ष हैं उनको इसी क्रम में कारण बताओ का नोटिस भी दे चुका है, उनसे जवाब तलब भी हो चुका है। तो क्या एक्शन होगा कुछ कठोर कार्रवाई या हटाया जाएगा उनको? आखिर ये प्रक्रिया आरंभ क्यों हुआ? तो एक प्रक्रिया उस तरफ जा रही है या सोच है, लेकिन अनुपालन के साथ ही करेगा ना। एक निर्णय, एक जिलाध्यक्ष को हटाना, उसके साथ एक दूसरे का चयन करना, ये पार्टी के लिए प्रक्रिया का भी चीज़ है और संवेदनशील है पार्टी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर इस बार के यहाँ के जो मुख्यमंत्री के चेहरे अमित शाह ने क्लियर कर चुके हैं नीतीश कुमार, पर क्या नीतीश कुमार के लिए जितना विरोध बनते जा रहा है युवाओं हो या कुछ, तो उसको लेकर नीतीश कुमार ही 15 साल से चेहरे हैं, तो आगे भी वही रहेंगे? विरोध बनते जा रहा है, ये किस पैमाने से आपने तय करके प्रश्न पूछा? जैसे कि कई तरह के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं सरकार और मंत्री पे, तो इस पर्पज़ से हम पूछे। तो दुनिया में कहीं भी कुछ हादसा होता है तो उसके पूरा आधारभूत नहीं हो जाता कोई,
मतलब इंस्टीट्यूशन या संस्था की व्यवस्था लेके जो कहीं कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उसको हमेशा जो है सरकार संवेदनशील अगर रहती है तो उसको ठीक करती है। एक ज़माने में ऐसा भी देश भर में छपा कि एग्ज़ाम में जो चोरी हो रहा था, चार मंजिला चढ़ चढ़ के लोग चिटकुट फेंक रहे थे। आज उस स्थिति नहीं मिलती, माफिया लोग थे जेल में। तो सरकार अपना जो काम है अगर जनता से समन्वय ठीक रहेगा तो संवेदनशीलता भी रहेगी, जानकारी भी रहेगी, उचित कदम भी होगा। ये कोई एक दिन का व्यवस्था नहीं ना, चरमराई व्यवस्था हर सेक्टर में बिहार में एनडीए को मिला। आज हम रोड की बात कर रहे हैं कि देश का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी वाला राज्य हो गया बिहार, कल्पना नहीं कर सकते थे कुछ साल पहले। बिजली अब गांव गांव में लगभग हर सो निरंतर रहती है, कल्पना नहीं कर सकते। अब जो विकास का नया छलांग लगाना है, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कोरोना एक अवसर है, संकट तो है अवसर भी, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में स्किल्ड श्रमिक भाई लौटे हैं, उसका मैपिंग जो मन की बात में जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो एक प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। तो इस चुनाव के बाद जो एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत हमें मिलेगा, क्योंकि जनता को विश्वास है, चुनाव दर चुनाव आप परिणाम देख चुके हैं। बेरोजगारी और पलायन को लेकर नीतीश कुमार पर भी लग रहा है कि ये 15 साल का डर दिखा करके 15 साल रहे हैं, ऐसा कुछ बातें। आप ये बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन है? केरल। और भारत से गल्फ देशों में 90% की जो आबादी जिस राज्य से गई है वो केरल से गई है, तो फिर ऐसा क्यों? माइग्रेशन और पलायन एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है, पूरे दुनिया में ही होता है, ठीक है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आपको विकास बिना रोड, बिना बिजली और बिना व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर या कार्य पद्धति के कहीं भी हो पाया है, संभव है। और ये साधारण युग नहीं था 13 साल का, दुनिया के भारत के अंदर में कई नए राज्यों का जब विकास शुरू हुआ, मान लीजिए कि महाराष्ट्र पारंपरिक रूप से एक प्रगतिशील राज्य था, गुजरात था, लेकिन आंध्रा का भी उत्थान शुरू हो गया, आपको कर्नाटक का भी उत्थान शुरू हो गया, अब मध्य प्रदेश जो बहुत फर्क नहीं था बिहार और मध्य प्रदेश में, उसका भी उत्थान शुरू हो गया। उस कालखंड में हम फंस गए लालू यादव के राज्य में, तो हम 13 साल तो पीछे, स्वाभाविक रूप से दुनिया उठने लगी और हम पीछे जाने लगे। तो हमको उसको भी मेकअप करके शून्य पर आना है, तब प्रगति का हम रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये असामान्य स्थिति है। आप या हम जब उस दायित्व के साथ अगर उस कुर्सी पर बैठेंगे तो कहाँ से शुरू करें, कैसे आरंभ करें, यही बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। तो अद्भुत काम हुआ है, आज उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है कि बिहार का कनेक्टिविटी, आप पटना से दरभंगा पहुंच जाते हैं 3.5 घंटा, पटना से मोतिहारी 3 घंटा। सड़क के मामला में और बिजली के मामला में तो विकास हुआ है, ये उसके बाद ही होता ना, बिना बिजली के कौन कहां पर उद्योग लगता है? दो उदाहरण हमको दे दीजिए, बिना बिजली के एक उदाहरण दे दीजिए जहां रहे। मगर विवेक जी, ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और पलायन पर नीतीश कुमार जी ने ज़्यादा काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आप इतना, ये पलायन कोई आज का नहीं है, वर्षों का है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे अनलॉक 1 हो रहा है, इंडस्ट्री खुल रहा है, उसी मात्रा में लोग वापस जाने का भी प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। तो अब बिहार बिल्कुल तैयार है नई औद्योगिक नीति लिखने के लिए और आकर्षण का केंद्र बनने, क्योंकि 15 साल बहुत समय हुआ। 15 साल एक आप मकान अब सब धन लेके भी बैठ जाइएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक साल में मकान भी बना दीजिए। और एक राज की हम बात कर रहे हैं, राज्य जो चौपट हो चुका है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, हर पहलू नष्ट था।
और सब पहलू पे काम करते करते बिहार को खड़ा करना, आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा एक कदम उठाया है सरकार ने। जो मैंने कहा कि संकट भी है तो अवसर भी है, जितनी इतने दिनों की बंद चीनी मिल थी सभी का लैंड जो है बियाडा को ट्रांसफर हो गया इसी कोरोना में, तो नई औद्योगिक नीति की तैयारी आरंभ हो रही है, मैपिंग का काम आरंभ हो गया है, जो आए हैं 25-30 लाख लोग जो आए हैं, तो अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक किस तरह का उद्योग लगे, जब मैपिंग का काम पूर्ण हो जाएगा तो हमें आसान रहेगा कि आकर्षण का केंद्र हम किस संबंधित उद्योग का हम बन सकते हैं। एक सवाल और था विवेक जी, बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम लिया गया था जनवरी में और कई छात्र ये मामला उठा रहे हैं, अभी युवाओं से अभी बहुत जुड़ा हुआ है, कई बार सचिवालय जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लगभग हज़ारों युवा। एसटेट एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी को, उसका रिजल्ट आने वाला था इसी बार, तो उसको रद्द कर दिया गया कि एग्ज़ाम में अनियमितता बरती गई है, तो छात्र और बिहार दरोगा बहाली में सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, तो छात्र कई एग्जाम को लेकर बिहार में असमंजस में रहते हैं, इसी कारण से नीतीश कुमार का विकास कहीं रुका हुआ रहता है। ऐसी बात नहीं, देश में अभी सेंट्रल बोर्ड का सीबीएसई का 10वां 12वां का इम्तिहान संपन्न हो पाया है क्या? इस बार नहीं, हम कह रहे हैं कि हो पाया है क्या? ठीक से नहीं। इस बार का पूरे भारत का शैक्षणिक कैलेंडर क्या होने जा रहा है, क्या भारत में किसी व्यक्ति को पता है क्या? अब जब ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं और अनिश्चित टाइप का माहौल हो जाता है, तो उसमें एक कुछ निश्चित बात करना अनुचित होगा। बिहार में दरोगा हैं कि नहीं, सिपाही हैं कि नहीं, पिछले 15 साल में बहाली हुई कि नहीं, तो कभी कुछ इस तरह का अगर सिस्टम फेलियर होता, अगर उसको रद्द कर दिया, आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा जांच में पाया गया कि अनियमितता और एक निर्णय हुआ कि उसको रद्द करके एक सुचारू रूप से किया जाए, ये निर्णय उचित है कि अनियमितता के साथ घोषित कर देना उचित होता है, ये तो फैसला आपको करना। कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है विवेक ठाकुर जी ने, जो कई नेता नहीं दे रहे थे, जैसे कि शेखपुरा जिला अध्यक्ष पे कई नेता बच रहे थे, पर आपने बड़े सहजता से समझाया और बिहार स्टेट और दरोगा बहाली पर भी कहा। सर अब आप राज्यसभा सांसद हो गए हैं, तो अब मंत्री का नाम भी अब आपका चल सकता है केंद्र में, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी का एक एक का व्यक्ति एक सामान्य कार्यकर्ता है, उसकी प्रथम पहचान वही, और निर्णय जो है किसी भी चीज का पार्टी एक सामूहिक सोच के तहत करती है। अच्छा, ये राज्यसभा का जो आप चुनाव का राज्यसभा सांसद जब नामित हुए, तो क्या आपको लग रहा था कि राज्यसभा हम नामित होंगे, ऐसा कुछ? देखिए, ये बीजेपी में ये कल्चर है ही नहीं, ये आप उस तरह की पार्टी की बात बोल रहे हैं जहाँ के एक व्यक्ति को निर्णय करना है। बीजेपी का शुरू से एक पद्धति है सामूहिक निर्णय का, और जब हमारे शीर्ष नेता जब एक सामूहिक निर्णय पे आते हैं तो एक विधिवत एक व्यवस्था के तहत निर्णय पर भी आते हैं और व्यवस्था के तहत सूचित भी किया जाता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ये सीपी ठाकुर जी राज्यसभा सांसद थे, उनसे भी कई बार बातें मुलाकातें होती थी, तो उस समय वो राज्यसभा सांसद थे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बदले ही आपको भेजा गया है, तो उनका फायदा, पिताजी के राजनीति में होने का फायदा विवेक ठाकुर को मिला है? पता नहीं, कुछ मेरी पृष्ठभूमि जानते नहीं, कल दैनिक भास्कर में आपने अगर पढ़ा हो। मैं जानता हूँ आप 20 सालों से राजनीति से जुड़े हुए। 20 साल से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। मैंने कार्यकर्ता की जिंदगी महानगर स्तर जो होता है टाउन, पटना महानगर के स्तर से मैंने अपना जिंदगी आरंभ किया, फिर प्रदेश के युवा मोर्चा का मैं उपाध्यक्ष रहा, 7 जिला का मैं प्रभारी रहा लालू जी वाले कालखंड के समय, उसके बाद मैं राजनाथ जी के प्रथम कार्यकाल के समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, गुजरात हिमाचल और बंगाल का प्रभारी रहा। उसके बाद जब सुशील मोदी जी प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे प्रदेश कार्य समिति में पहले लिया, मैं 2005 में चुनाव भी पार्टी के तरफ से हमको भेजा गया था लड़ने के लिए, तो हम लोग एक बहुत ही पार्टी के ओबीडियंट कार्यकर्ता सिपाही हैं और ये प्रथम पहचान है हमारी।
और ये बीजेपी में ये सब चीज़ नहीं चलता है। आपको 99% उदाहरण आपको एक सामान्य जिंदगी कार्यकर्ता की जो होती है वह पहचान के मापदंड में आप कहाँ आते हैं, उसके बाद ही पार्टी कोई चीज़ निर्णय करती है कि मेरा ये कार्यकर्ता किस चीज़ के लिए उपयुक्त है। फिर भी थोड़ा फायदा तो सीपी ठाकुर जी के वजह से, ठीक है, फायदा इसमें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ये अगर मापदंड रहता तो फिर 25 साल को, वैसे तो बहुत राजनीतिक पार्टी हैं। अब तेजस्वी यादव हैं फलाने बाबू के पुत्र, तो रात से सुबह में आके चुनाव लड़के, शाम हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बन गए, सरकार बन गई तो अगले दिन सुबह डिप्टी सीएम हो गए। ये भी उदाहरण है और एक 25 साल का खटना भी उदाहरण है। अच्छा, इस बार विधानसभा में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार, इसमें संशय कहाँ। 100% नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में होने जा रही है। धन्यवाद, आपने इतना वक्त निकाला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।